राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। तो आशा करते हैं सभी भाई ठीक ठाक होंगे। तो आज की छोटी सी वीडियो लेके आए हैं वे, जो ये सामने आप देख रहे हो, गोबर उठाने वाली रेडी जो डेयरी फार्मों में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये अपने पहला पीस है जो ये तैयार किया है भाई, और आप सब भाई देख के बताना भी आपको कैसा लगा। पूरा हैवी में तैयार किया है, हर चीज़ अच्छी लगाई है, और जो इसके ऊपर चादर लगाई गई है 16 गेज की चादर है भाई, पूरी हैवी में, और जिस्ती के अंदर चादर लगाई गई है ताकि गोबर के साथ जंग वगैरह ना पकड़े भाई। और ये आप टायर देख सकते हो भाई, चलने में बिल्कुल हल्की है। और इधर से दिखा दें भाई लुक, और पेंट है जो अपना स्टार्टिंग से भी जोंडियर वाला ओरिजिनल पेंट ही चल रहा है। वही जो भी आगे आगे प्रोडक्ट तैयार करेंगे डेयरी फार्म और खेती बाड़ी के लिए भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो तैयार करने की इच्छा है भाई। तो धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से जो भी नया प्रोडक्ट बनाया करेंगे, तो आप सब भाइयों तो वीडियो के माध्यम से पहुँचाया करेंगे भाई। तो इसके अंदर भाई आप गोबर डाल सकते हो, या जैसे शहरों में कूड़ा वगैरह गिरने के लिए प्रयोग कर सकते हो, या जैसे पंचायत में, गांवों में होता है वे कूड़ा उठाने वाली रेडी, तो उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको जो खाली करने का तरीका है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, ये पाइप लगा दी गई है, तो इसके साथ आप इसको दबा कर भाई खाली कर सकते हो। ये देख सकते हो इस तरीके से खाली हो जाएगी। और जो इसकी शेप दी गई है भाई, ताकि इसके अंदर कचरा ना रहे, तो इसके दोनों साइड से जो है डाल दे दी गई है। इसके अंदर कचरा है जो गोबर वगैरह या कबाड़ा कूड़ा करकट जो भी आप इसके अंदर डालोगे, तो पूरा का पूरा वो नीचे गिर जाएगा और ये खाली हो जाएगी। और इसके बाद जो मोटरसाइकिल वाली रेडियाँ होती हैं भाई, वो भी तैयार करेंगे, वो भी वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और जीप के पीछे जो ट्राली होती है, या आप ट्रैक्टर के पीछे ट्राली हरा चारा ले जाने के लिए, या कोई खेत के काम के यूज़ के लिए, तो वो भी जल्द से जल्द ही तैयार करेंगे, और वीडियो के माध्यम से आप सब भाइयों को दिखाते रहेंगे। तो पेज के साथ भी जुड़ो भाई, पेज को भी फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पेज है जो अपना वकील मेलू सिधानी के नाम से है, तो उस पर भी जुड़ो भाई, उस पर शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं भाई, और यूट्यूब फेसबुक पे है जो पूरी डिटेल के साथ वीडियो डालते हैं। और आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं भाई, जैसे ये अपना फैन दीवार के साथ फिट कैसे करें। ये आप सामने देख रहे हो फैन, तो स्टार्टिंग में लगाना हो तो कैसे लगा लें, वैसे वीडियो में हमने पूरे का पूरा उठा के दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो नट है भाई, ये नट खोल के इसको निकाल लें, जो अगला शिकंजा है निकल जाएगा, तो जो पिछली पत्ती है वो अकेली रह जाएगी। और आगे चलकर वीडियो में देखियो किस हिसाब से आपको ये फिट करना है। सबसे पहले आपको जो पंखे की पत्ती है वो रख के दीवार के साथ बेनिशान लगा देना है, और जो फासनर आपको ड्रिल के साथ सुराख करने हैं, तो ईंट के अंदर ही सुराख करें, और जो बीच की ईंटों के बीच की दर्ज है वहाँ पर सुराख ना करें। और 12 mm के हैवी फासनर हैं जो वो लगाने हैं भाई। उसको लगाने के बाद आपको फासनर के जो नट हैं वो पूरी तरह से कस देने हैं, ऐसे ही नहीं खोलना भी लगाती सर, पहले खोल लो, पूरी तरह से कसोगे तो फासन रहा है जो अपनी जगह में सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इस पे जो नट है नटों को खोल के अपना पंखा रख के, तो उसके साथ पूरी तरह से नटों को टाइट कर दें भाई। और उसमें फिट करने के बाद भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। फैन भी देखो, फैन के अंदर भी 21-22 किलो वेट है, और लड़के के अंदर भी 50-60 किलो वेट है, तो इसने लटक के देखा, कोई दिक्कत नहीं आती फैन के साथ भाई। और आप इसको फैन को इधर उधर घुमा भी सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं बहुत बार बार, तो 8,000 रुपये रेट है भाई इसका, कॉपर की मोटर लगी हुई है, और पूरा हैवी वेट में तैयार किया हुआ फैन है। डेयरी फार्म में काम आने वाली नई नई चीज़ें तैयार करते रहेंगे भाई, और आप सब भाइयों को वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहें पेज के साथ और अपना इंस्टाग्राम के साथ, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।